हेलो आप सब लोगों को। वोकैब के पार्ट में मैं देखता हूं, जैसे कि आप में से अधिकतर लोग, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि याद कैसे करना चाहिए। मैंने कनेक्शन बना के बोला, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला, लास्ट बार होमोग्राफ हुआ था। जैसे एक चीज मेरे को दिखाई पड़ता है कि हर भाषा की अपनी विशेषता होती है। जैसे अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के कोलोकेशन के कोलोकेशन वाली डिक्शनरी को देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोलोकेशन, तो उसके कवर पेज में बैक साइड में एकदम क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि नो टू वर्ड्स आर द सेम। इंग्लिश में कभी भी दो वर्ड सेम नहीं होते। अब अगर ये बात ऑक्सफोर्ड, जहां इंग्लिश उत्पन्न हुई थी, बात वहां की हो रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि दो वर्ड सेम नहीं होते, और हमारे यहां देश में कंट्री में लगा हुआ है सिनोनिम रटना है, एंटोनिम रटना है, हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का इक्विवेलेंट सिनोनिम्स हो सकता है, बट ये एक्चुअली जब वो यूज में आएगा ना, तो वो नहीं होता सेम। स्कोल्ड और रिब्यूक, का मतलब डांटना हो सकता है, बट दोनों के प्रॉपर्टी मतलब धन नहीं, गुण में अंतर है। आप जितना भी स्कोल्ड का सिनोनिम करो, ये सब एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं हो पाएगा। उसकी अपनी मीनिंग के अलावे उसकी अपनी एक विशेषता होती है, उस विशेषता को। इसलिए कभी भी अगर तुम इंग्लिश टू इंग्लिश मिक्स डिक्शनरी देखो, तो हमारी हिंदी डिक्शनरी में जैसे मीनिंग दिया रहता है, वैसे अंग्रेजी के डिक्शनरी में मीनिंग नहीं रहता। वहां कभी भी डिक्शनरी मीनिंग एक वर्ड में नहीं होता, पूरा का पूरा एक डेफिनेशन दिया रहता है, डेफिनेशन, क्योंकि वहां पे उसके अर्थ के अलावे उसका सिचुएशन भी बताना पड़ता है, जिसमें जिसके बाद आप उस शब्द को कहां इस्तेमाल करोगे वो आपको क्लियर होगा। और यही प्रॉब्लम फिलर में होता है, क्योंकि आपने क्लोसेस में, अगर आपने देखा होगा, अनुभव में बता रहा हूं कि आप अगर शब्द देखो ना, तो वाक्य समझ में भी आ गया तो भी शब्द पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लगता है देखकर कि यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है। उसके मीनिंग के साथ साथ एक उसकी उसका सिचुएशन होता है और एक यूज करने का तरीका होता है, कैसे यूज करेंगे हम। लेकिन अभी हम लोग चूंकि वोकैब, इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब आप देखो किसी भी सेक्शन को करना चाहो, तो उसके इंग्लिश के प्रॉपर्टीज को टारगेट करो, ना कि उसको अपनी भाषा से जोड़ो। भाषा इसको समझने में मदद कर सकती है, सीखने में मदद कभी नहीं करेगी, सीखने में कभी मदद नहीं करेगी, समझने में मदद कर सकती है। कंप्रिहेंशन का आज भी अगर मैं तुमसे बोलूं, तो आज भी मैं कंप्रिहेंशन हिंदी में ही समझने की कोशिश करता हूं, अच्छा लगता है, मातृभाषा है ना, समझ अच्छी आती है। लेकिन जब आप उसको सीखना चाहोगे कि उसको यूज कैसे करेंगे, तो वहां आपकी हिंदी आपको बाधा क्रिएट करनी शुरू करती है। अब एक आज जो एस्पेक्ट मेरे को डील करना है, वो ये कि एक ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जिसमें मैंने देखा कि बच्चों का मतलब यूजलेस मेहनत उनसे कराया जाता है वोकैब में, यूजलेस मेहनत। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, बात अगर अर्थ की हो रही है, सिंपल, अभी मैं मीनिंग की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास ईमानदार और ईमानदारी में अंतर क्या है? अर्थ में मैं पूछ रहा हूं, वाक्य के इस्तेमाल में नहीं कि अलग अलग वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, अर्थ में क्या अंतर है दोनों में? अगर आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि दोनों का मीनिंग सेम है, अलग अलग वाक्य में इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सही है तो इसमें अंतर बस इतना ही है, अगर आप वर्ड मीनिंग की बात करते हो, अगर मैं अगर दिमाग में टारगेट में रखे हुए क्या बोल रहा हूं, वर्ड मीनिंग, तो दोनों का मीनिंग सेम है,
जब सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, फिलर में इस्तेमाल करना होगा, वाक्य बनाना होगा, तो मेरे को डिसाइड करना होगा कौन सा वर्ड किया जाए। ये तो मीनिंग की बात हो रही है, आपके सिनोनिम एंटोनिम में तो मीनिंग की चर्चा हो रही है, और मीनिंग में सेंटेंस में इस्तेमाल तो किया नहीं जाता है। तो आपको याद करने में, अभी अगर आप सोचो कि मैं तुमको अगर बोलूं, एक मैं वर्ड ले रहा हूं, एबोरेंस, मैंने एक वर्ड लिया, मैं इसके साथ एक वर्ड डालता हूं, एक और वर्ड एबोरेंट, और एक इसका और वर्ड होता है एबोर, एबोर, तो इन तीनों वर्ड के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, जैसे यहां था, जैसे यहां अंतर नहीं है, वैसे यहां भी तीनों के मीनिंग में अंतर नहीं है, तीनों का मीनिंग सेम है। तो अभी आपको बच्चों को मैंने देखा कि टीचर्स कराते क्या है, एक बार तुम ये रट लो, एक बार ये रट लो, उसके दो चार पांच महीने के बाद अगर कभी पूछा तो इसको रटना, और उसके बाद फिर कभी मिला तो ये रटना, और तीनों को लगता है जैसे अलग अलग चीज है, जबकि मीनिंग तो तीनों का सेम है। तुम अगर देखो कि अगर ये हेट होता है इसका मीनिंग, तो आप ऑलरेडी इसका एडजेक्टिव हेटफुल जानते हो, नाउन नहीं, हो सकता है कि एक तुरंत दिमाग में नहीं आए, इसका नाउन हैट्रेड होता है। तो हम एक बार हेट याद करें, एक बार हेटफुल रटें, एक बार हैट्रेड रटें, जरा अपने आप को पूछिए कि कितना लॉजिकल ये अप्रोच है। इज इट नॉट द मिसयूज ऑफ योर लेबर एंड टाइम, क्या तुम्हारे टाइम और लेबर का मिसयूज नहीं है कि आप एक ऐसे शब्द के तीन पार्ट रट रहे हो अलग अलग टाइम में, एज इफ वो नए नए वर्ड हैं, जबकि हिंदी में आपने कभी नहीं सोचा कि दोनों में कोई अर्थ का अंतर है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव जिस वर्ड से, डेरिवेटिव भी इस वर्ड से बना है, डेराइव से। डेराइव तुम जानते हो, किसी से निकालना, तो किसी वर्ड से उसके अलग अलग अगर हम शब्द निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव उस शब्द का। तो आपका ये कहा जाता है रूट वर्ड, रूट वर्ड, और उससे बनने वाले बाकी सारे शब्द दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। जैसे देखो, मैंने अभी लिया एबोर, मैं लू हेट, मैं लू एबोमिनेट, मैं लू रिपग्न। अब जरा इसका मैंने लिया एबोरेंस, इसका लिया हैट्रेड, इसका एबोमिनेशन, रिपग्नेंस, एबोरेंट, हेटफुल, एबोमिनेबल, एंड रिपग्नेंट। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो आपको इसमें याद कितने वर्ड्स करने हैं, यही चारों ना, बाकी उसका क्या बनता है एक बार पढ़ लो, मीनिंग कहां चल पड़ा लगा, मीनिंग कहां से परेशान किया उसने, उसने मीनिंग कभी परेशान नहीं किया करेगा वो, क्योंकि सब सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। अभी आपने देखा कि ईमानदार और ईमानदारी का मीनिंग सेम है, यूज सेंटेंस में अलग अलग, तो जब हम इनको यूज करेंगे तो अलग अलग सेंटेंस में यूज होगा, बट मीनिंग तो सबका सेम है। अभी आपका अगर ये सोचो
तो आपको चार वर्ड्स को देखना था और चारों का मीनिंग सेम होता है, घृणा करना। ये उसका भर्व है, ये उसी का बना हुआ नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है। अगर इससे एडवर्ब बनाना होगा तो आपको पता है कि सिंपल एलवाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा वो। तो आपके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स होते हैं। एडवर्ब भी ले सकते हो उसको, लेकिन एडवर्ब बड़ा आसान होता है उसको करना, एडवर्ब बहुत आसान है। तो ये चार तुम्हारे डेरिवेटिव हैं। तो कभी अगर शब्द मिले आपको कोई भी वर्ड, तो अगर आप सोच लेते एक शॉट में अगर दो और जुड़ रहा है तो आपने तो एक एक बिना याद किए हुए। मजे की बात यह है कि आपको रटना नहीं है, ये सारे आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, क्योंकि मीनिंग अगर हेड जानते हो तो हेडफुल में क्या दिक्कत है, हेडरेट में क्या दिक्कत है। बस खाली आपको ये बताया नहीं गया शुरुआत में कि आप अगर कोई शब्द करते हो तो अगर वो वर्ब है तो उसका नाउन या एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा दिमाग में आने दो। दैट इज व्हाई मैं तुमको अगर बोलूं कि तुमको स्पेशियल नया लगेगा, स्पेशियल तुमको नया लगेगा, जबकि हालत यह है कि इसका जो नाउन बनता है वो तो बचपन से जानते थे। अब ये नहीं बता के आपके वोकैब को तो तीन गुना कमजोर प्रोसेस के थ्रू किया गया है, आपने नहीं किया। अगर आप सोचो कि वो एक काम करो और दो और वर्ड आपके स्टॉक में जुड़ रहे हैं, तो आज आप सोचो कि आपके पास जितने वर्ड्स होते हैं और कितना और वर्ड हो जाता। जब आप सोचो आपको टेम्पोरल नया लगेगा और इसका जो नाउन बनता है वो बचपन से जानते हैं, टाइम। टेम्पोरल आपको नहीं पता है, टाइम पता है। ये तो वैसे ही बात है कि मतलब हम किसी के घर में जाएं, एक भाई से गाढ़ी दोस्ती है, दूसरे भाई से परिचय नहीं है, जबकि दोनों एक ही घर में रोज तुमको मिलते हैं। भाई परिचय तो होनी चाहिए ना। अब इस पार्ट को जरा हम अपने सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। जरा आप देखो तो इस सेंटेंस को एक कॉमनर दिया हुआ है, द ब्यूटिशियन। अभी अगर ब्यूटिशियन का मैं सोचूं तो ब्यूटिफाई इसका भर बनता है। जरा सोचिएगा, अब ब्यूटिफाई तुमको थोड़ा सा मे भी नया लगे, लिस्ट आउट फिगर। अब जरा सोचिए कि इस वर्ड को जो आपके लिए नया लग रहा है रेडिएंट, ये किस वर्ड से बना था? क्या वो जिस वर्ड से ये निकला था वो वर्ड आपको नहीं पता था? क्या आपको रेडिएट वर्ड जो इसका वर्ब होता है या इसका जो नाउन होता है रेडिएशन, ये नहीं पता था आपको? किरणें निकलना, जरा सोचिए। जब ये पता था तो ये क्यों नहीं पता है? लड़कों से मैं बहुत बार पूछता हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं जानते हैं। रेडिएशन का क्या मीनिंग, बचपन से जानते हैं। सोचिए जरा कि आपका जो वर्ड का स्टॉक जो आपके आपको लगता है कि गड़बड़ है, उसमें प्रोसेस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, प्रोसेस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिस प्रोसेस को अपनाया गया उसमें आपके पास हर वर्ड के लिए काम करने का था, जबकि एक वर्ड करो चीजें डेवलप होंगी। अब जरा सोचो कि ये यहां एडजेक्टिव लगा हुआ है, जरा सोचना आप, और यहां लगा है दैट, और आप जरा ध्यान दो कि दैट लगाने के बाद जब आगे में आप उसके साथ लिखते हो दैट बॉय, दैट लिखते हो ना, दैट के बाद आपने बॉय लिखा, और उसके पहले तुम लगा सकते हो एक एडजेक्टिव डाल सकते हो दैट न्यू बॉय। तो
दैट के बाद उसने डाला एडजेक्टिव और उसके बाद उसने डाला कंपाउंड नाउन, और जहां पे नाउन होना चाहिए था उसने वहां पे डाल दिया एडजेक्टिव। इसका दो एडजेक्टिव बनता है, नाउन, एक रेडिएशन और एक रेडियंस। कारण है, रेडिएशन को हम लोग केमिकल टर्म में ले लेते हैं, मतलब साइंटिफिक टर्म में, और रेडियंस जैसे नहीं बोलते हैं, उसके चेहरे से खुशी की किरणें निकल रही थी, आशा की किरणें निकल रही हैं। तो दो तरह की किरण होती है, तो एक जो फिजिकल वाला है वो रेडिएशन हो गया, और एक जो तुमको महसूस होने वाला है उसके लिए रेडियंस कर लेते हैं। तो अभी आप ध्यान दो कि अगर ये चीज तुमको पता होता कि रेडिएट का एडजेक्टिव रेडिएट रेडिएंट होता है, दैट तुमको पता होता तुम यहां बनाने लिए होते कि यहां पे रेडिएंट नहीं होगा, रेडियंस होगा, बना लेते। लेकिन परेशानी यह है कि डेरिवेटिव्स हम लोग सीखते कहां है, हम लोग कभी उसका कंसेप्ट बताया नहीं गया, हम लोग को बताया गया प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। भाई ये सब इतने थियरी में क्यों, बच्चे को हर रोज ग्रामर में भी वर्ड्स झेलना पड़ता है। और मैं देखता हूं आपके आंसर्स के थ्रू कि आपने कुछ जो पढ़ा है ना ग्रामर के कुछ टिपिकल नियम, उसी के बेसिस पे आप हर जगह देखते हो। आप शब्दों को लेके उसके ग्रामर को, अगर आप सोचो कि अगर कोई वर्ड तुम्हारे सामने मिला कि ये, और तीन ही होगा ना, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, ये प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, कंजंक्शन हो नहीं सकता, प्रोनाउन हो नहीं सकता, इंटरजेक्शन हो नहीं सकता, और एडवर्ब होगा तो एलवाई लगेगा। तो कुल मिला के अगर ये शब्द हैं तो तीन ही ना, एन वी ए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब अगर कोई वर्ड तुमको मिला और तुमने सोचा, ये एक मिनट के लिए रुक के सोच लो कि अगर ये नाउन है तो इसका वर्ब और एडजेक्टिव क्या होगा, तो तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ने लगेगी, तुम्हारा ग्रामर भी कवर अप होगा। एक आधो क्वेश्चन और देख लो, क्या देखो, तो स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस रेवेन्यूज आर ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एंग्जियस अबाउट द रिपल इफेक्ट दैट फेडिंग ऑफ प्राइसेस मे हैव ऑन देयर लोकल इकोनॉमीज। मैं ये क्वेश्चन दू ना, एकदम नहीं बनेगा, ये श्योर है, क्योंकि आप खोजोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप खोजोगे वन ऑफ द बॉयज, ऐसा वाला क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। सोचिए जरा कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आप बनाते कब हो। अभी YouTube के कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चंस देता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉलीपॉप क्वेश्चन मत दो। भाई लॉलीपॉप नहीं दिया जाए तो ये दिया जाए जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ है। मैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस कम कर रहा हूं, मैंने लोगों को बोला है जो लोग पोस्ट करते हैं कि आप इजी इजी क्वेश्चन मत दो, लड़कों को थोड़ा सा मेहनत पढ़ने दो। लेकिन इस लेवल पे क्वेश्चन कहां से बनेगा, अभी देखो तो जरा इस पार्ट को तुम टारगेट करो। हर वर्ड का, जैसे एक वर्ड ले लो फेड, जानते हो मीनिंग तुम। अब इस वर्ड का नाउन, ये वर्ब है, नाउन और एडजेक्टिव नहीं बनता। अगर तुमको इसको नाउन या एडजेक्टिव बनाना होगा तो इसके वही V4 और V3 लगाते हैं, इसका V4 और V3 नाउन एडजेक्टिव बनाना होगा। तो जब आपके उसके नहीं बनते तो आपके लिए टेंशन कम है। अब जरा आप देखो कि द इफेक्ट दैट फेडिंग ऑफ प्राइसेज या फेडिंग प्राइसेज, कम होते हुए कीमतें ना, डिक्रीजिंग। अगर मैं बोलूं यहां पे मैं डिक्रीज इन प्राइसेज लिख दूं, या एक ऑप्शन दूं डिक्रीजिंग प्राइसेज, तो दोनों में से आप कौन सा चुनोगे जरा सोच लेना। नेचुरली आप बोलोगे कि डिक्रीजिंग प्राइसेज होगा, कम होती हुई कीमतें। ये थोड़ा सा अगर टफ भी है तो एक देखो, बहुत आसान, देखो जरा उसने क्या क्या किया। ऑप्शंस तुम अगर देखो, ये ज्यादा अच्छा है,
ऑप्शन देखो, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। उसने गवर्नमेंट लिया, उसको पता है कि गवर्नमेंट के साथ वो कुछ नहीं कर सकता, तो कभी गवर्नमेंट लिखा है सब जगह पे और यहां पे उसने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। उसने क्या किया, विलिंग वर्ड, विलिंगनेस, वो बार बार उसको चेंज कर रहा है। ये अगर सोचते तो ही इज विलिंग एंड ही हैज विलिंगनेस, और प्रेजेंट का मीनिंग हम लोगों ने लास्ट डे होमोग्राफ में किया था, नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और शायद इसके वर्तमान, वर्तमान का होना चाहिए। तो अगर वर्तमान का होगा तो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगा ना, और गवर्नमेंट अगर नाउन है तो उसके उसके साथ तो विलिंग का जो वर्ड होगा विलिंगनेस होगा। यहां पे क्या उसने किया, गवर्नमेंट इज प्रेजेंट, उसने गवर्नमेंट को बता दिया गवर्नमेंट उपस्थित है, यहां बोला गवर्नमेंट प्रेजेंस, गवर्नमेंट की उपस्थिति, तो भाई की लगाते ना गॉम। अब यहां पर उसने बना दिया भर, गवर्नमेंट विलिंगली प्रेजेंट, तो एक तो प्रेजेंट होता और प्रेजेंट है, या भर मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो आप जरा क्वेश्चंस को देखो कि उस वो डेरिवेटिव का कैसे क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखो तो एंड को उसने कभी एंडिंग्स किया, कभी एंड्स किया, मेन टारगेट उसने लेफ्ट को उसने V1 में डाला, V2 में डाला, मेन उसने इस वर्ड को लिया है लूज, और चूंकि इसका प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन में बोल रहा हूं, इस वर्ड से मैच करता है, तो आपको उसने इस इन्हीं दोनों वर्ड्स पे खेल कर दिया, जबकि हालत यह है कि ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। सोचो अब इस लूज का नाउन बनता है लॉस, लूज का भेटू भीतरी बनता है लॉस्ट, आप में से जानते होंगे लोग, और इसका भर बनता है लूजेन, ये हो गया भर। अब वो देख लीजिए कहीं पे ये डाला है, कहीं पे लूज डाला है, कहीं पे लूजेन डाला है, लूजनिंग, वो भर बनाया और भर में आईएनजी और ईडी लगा दिया उसने, और जबकि एंड्स सिरा के पहले तो एडजेक्टिव आना चाहिए था ना, लेफ्ट सम लूज एंड्स। सोचो जरा कि अगर तुम डेरिवेटिव पे काम नहीं करते हो तो फिर कैसे पार्ट बनेगा, अटेम्प्ट देखो तो जरा, अटेम्प्ट होमोग्राफ है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, इसका एडजेक्टिव नहीं बनता। अब जरा देखो तो वी एडमायर, उसने सब्जेक्ट प्लस वर्ब बता दिया, और हां उसके उसके अलावा में क्लाइंब, नाउन भी है वर्ब भी है। अब वो बार 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 डेरिवेटिव और होमोग्राफ, अगर आप ग्रामर के क्वेश्चंस बना रहे हो तो डेरिवेटिव और होमोग्राफ का कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर चाहिए। डेरिवेटिव का कंसेप्ट में आपको वर्ड पावर भी बढ़ेगा बहुत जल्दी। अब आप जरा ध्यान दो कि उसने हिज अटेम्प्ट ऑफ क्लाइंब, अटेम्प्ट ऑफ क्लाइंबिंग होना चाहिए था। अब देखो तो टू क्लाइंब कितना अच्छा लिखा हुआ है, यहां पे टू के बाद क्लाइंबिंग कर दिया। सोचो जरा टू क्लाइंब द समिट ना, यहां पे तो वर्ब चाहिए ना, जब तक तुम वर्ब डालोगे उसके बगल में एक नाउन लगा हुआ है तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां तो वर्ब चाहिए। अब अगर तुम इसको ऐसे लेते हो तो ये तो नाउन बन गया ना, या V1 हो गया, दोनों कंडीशन में कटेगा। अगर नाउन बन गया तो नाउन के बगल में नाउन, नाउन के बगल में नाउन, टू के बाद ING फॉर्म, ऐसे तो लगता नहीं है। अब जरा इन दोनों में से
कोई एक चुनना है, और वी एडमायर, हम इस आदमी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसके अटेम्प्ट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, और ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन हो गया, और नाउन के पहले एक डिटरमाइनर चाहिए। आई एडमायर हिम स्पीकिंग नहीं, आई एडमायर हिज स्पीकिंग। एक और क्वेश्चन देखो, तो उसने देखो जरा ध्यान देना, वो आपसे पूछ रहा है कि हिड वर्ड को जानते हो, हिड वर्ड को जानते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इज लगेगा, आर लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। हिड वर्ड नाउन भी होता है और हिड वर्ड वर्ब भी होता है। अब अगर यहां तुम लिटिल डाल रहे हो तो लिटिल के बाद तो नाउन चाहिए, और हिड्स क्यों, और इन्वायरमेंटलिस्ट लिखा हुआ है प्लुरल में, तो यहां पे सिंगुलर तो जाएगा नहीं, ये कट गया, ये कट गया। वो हिड वर्ड का ग्रामर पूछ रहा था, और ये तब तक नहीं पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हिड का मीनिंग ये होता है, भाई आज से, आज के इस डिस्कशन का एक एक तय है कि आप आज से अगर कोई शब्द कर रहे हो तो उसका नाउन है, भर्व है, एडजेक्टिव है, एन वी ए, ये अपने दिमाग में आने दो, उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन तुम्हारे ग्रामर में होता है। तुम जरा देखो, यहां पे अमाउंट लिखा, यहां पे अकाउंटिंग किया, अकाउंट्स किया, अकाउंटेड किया, अकाउंटिंग किया, जरा आप ध्यान दीजिए कि वो आपसे अमाउंट और अकाउंट का ग्रामर का नियम नहीं पूछ रहा है, ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट और अकाउंट से परिचय पूछ रहा है कि परिचय है। अब अगर तुम अमाउंट लो, अमाउंट, तो ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। सेम वे अकाउंट नाउन भी है और वर्ब भी है। अब अगर आप यहां पे रिसर्च के बगल में वर्ड लगेगा तो याद रखिएगा कि रिसर्च नाउन है, तो रिसर्च के बगल में रिसर्च अमाउंट, रिसर्च अकाउंट तो होगा नहीं, तो नाउन तो नहीं चाहिए, चाहिए होगा वर्ब, और एज यहां पे कंजंक्शन है, बिकॉज कंजंक्शन के बाद ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब में एस लगेगा, तो तुम्हारा ये कैंसिल, वर्ब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बन सकता था लेकिन सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट में है, तो हम अकाउंट्स डालेंगे, दैट्स इट। शब्दों में डेरिवेटिव क्या होता है और होमोग्राफ क्या होता है, आज के वीडियोस में होमोग्राफ का इंपॉर्टेंस और डेरिवेटिव आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितना जरूरी है, ये दोनों आपके आज के वीडियो के का पर्पस था कि वो इंफेसाइज करें। अगर ये समझ में आया है, देखो जब कंपटीशन, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब आपके 17,000 पोस्ट भी अगर सीजीएल में निकले हैं ना, तो 17,000-15,000 लड़के फॉर्म भरेंगे, और अगर 15,000 लड़कों ने भरा तो 14,83,000 लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा। तुम क्या वन ऑफ के बाद नाउन पुलल आता है ये रूल याद करके 14,83,000 या इंडिया के टॉप 17,000 ब्रेन्स में से हो, लैंग्वेज में जरूरत क्या है, वन ऑफ के बाद ये आता है, भेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, ये याद करने से आप इंडिया के टॉप 17,000 ब्रेन्स में आओगे, या लैंग्वेज को इंग्लिश के मोड में पढ़ के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के आप करोगे। सोचो, प्रिपरेशन लाखों करोड़ों लोग करते हैं, होता किसी किसी का है, मेहनत में आपके कमी नहीं है, जिस प्रोसेस से आप कर रहे हो उस प्रोसेस में गड़बड़ी है, उस प्रोसेस में अंग्रेजी को कमजोर छोड़ के ग्रामर के कुछ नियम रटवाए जा रहे हैं।
और आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन यहां से पूछा था। गारंटी ये दिया जाएगा कि अगली बार भी क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, पूछने के बाद बताएंगे ना हम तो कि कहां से पूछा है अगली बार वाला क्वेश्चन। सो आप बुद्धिमानी से तैयारी करो सिस्टमेटिकली, बात को समझ के कि वो कैसा भी क्वेश्चन दे आप सॉल्व कर लो, रिजल्ट आएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, वर्ड के। सी यू देन, थैंक यू।